आज हम पढ़ेंगे स्वर नाम, स्वर नाम, ठीक है। पाठ क्या है? नौ। स्वर नाम, जैसे स्वर नाम का मेन पॉइंट, मतलब मेन जो विषय जो होता है वो है संज्ञा। संज्ञा के जगह पर ऐसे कौन से शब्द है जो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर ऐसे शब्द होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं, उसे स्वर नाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, वे, या लोग, ये क्या है? स्वर नाम है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को स्वर नाम कहते हैं। संज्ञा में जैसे मोहन होते हैं, मोहन मेरा भाई है, ठीक है। तो मोहन के जगह हम क्या लगा देंगे स्वर नाम के, स्वर नाम के लिए? वह, वह मेरा भाई है, ठीक है। जैसे देखो, अंगतुक राजू का घर पर है, तो राजू, मैं ही राजी हूँ, राजू हूँ। सुरेश एक सज्जन आदमी है, वह मेरे विद्यालय का क्या है? चपरासी। मीता और गीता बहने हैं, तो मीता और गीता क्या है? दोनों बहने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वे, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे? वे। यस राजवीर। मैम, हाँ, सज्जन मतलब क्या है? अच्छा, सज्जन मिस होता है अच्छा विचार वाले व्यक्ति, हम लोग बोलते हैं ना बंगाल, मैम हाँ बंगाली हम लोग बोलते हैं ना भोद्रो मोहिला, बोलते हैं ना बंगाली में, तो क्या होता है अपने भोद्रो मोहिला, ठीक है। तो वही हम लोग तो उसके हिंदी में क्या बोलेंगे? सज्जन आदमी, ठीक है। ओके मैम। एंड मैम, हाँ बोलो। चपरासी मतलब क्या है? चपरासी मिस होता है मतलब हमारे विद्यालय का चपरासी, जैसे जो बेल घंटी बजाते हैं, कोई फाइल लाना हो तो फाइल लेकर आते हैं, प्रिंसिपल या शिक्षक मांगते हैं तो लेकर आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चपरासी। मतलब स्कूल के अंदर में जो कोई काम होता है वो चपरासी ही करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग चपरासी बोलते हैं। ओके ओके मैम, म्यूट योरसेल्फ। ओके। ओके अब आगे पढ़ते हैं। स्वर नाम के भेद, स्वर नाम के 6 भेद होते हैं, अंडरलाइन कर लो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। तो कौन कौन? पुरुषवाचक स्वर नाम, निश्चयवाचक स्वर नाम, अनिश्चयवाचक स्वर नाम, संबंधवाचक स्वर नाम, प्रश्नवाचक स्वर नाम और निजवाचक स्वर नाम। तो स्वर नाम के कितने भेद हैं? 6। तो पहला क्या है? प्रथम पहला है पुरुषवाचक स्वर नाम, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जो स्वर नाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक स्वर नाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, मतलब बोलने वाले, मैं बोल रही हूँ और आप क्या है? सुन रहे हो, तो ये क्या होते हैं? पुरुषवाचक स्वर नाम। जैसे मैं और आप लोग क्या हो? आप, तुम, ठीक है। तो ये क्या है? पुरुषवाचक स्वर नाम। नीचे देखिए क्या है? पुरुषवाचक स्वर नाम के 3 उपभेद है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, इसको पेंसिल से क्रॉस कर लीजिए। हमें ये पुरुषवाचक स्वर नाम के जो उपभेद है ना, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको पेंसिल से आप लोग क्रॉस कर लीजिए। नेक्स्ट, दूसरा क्या है? निश्चयवाचक स्वर नाम। जो स्वर नाम निकट या दूर, मतलब नजदीक और दूर, कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक स्वर नाम कहते हैं। जैसे यह मेरा भाई है, कोई दूर है तो उसे क्या बोलेंगे? कोई दूर से आ रहा है, जैसे आपके फ्रेंड है, आपके दोस्त है, कोई आ रहा है उनके साथ, तो आप किसी और फ्रेंड से पूछोगे वे कौन है, मैं तो उसे नहीं जानता, तो वे कौन है यहाँ, तथा वे निश्चयवाचक स्वर नाम है। इसी प्रकार वह तथा यह भी निश्चयवाचक स्वर नाम होते हैं। 3, अनिश्चयवाचक
स्वरनाम, जिन स्वरनामों में से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें अनिश्चयवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे कोई आपसे मिलने आया है, मतलब निश्चित है कि वो मुझसे मिलने आया है, तो कोई आपसे मिलने आया है। दरवाजे पर भिखारी खड़ा है, उसे कुछ खाने को दे दो, मतलब हमें कुछ देना ही है, वो हमारे घर आया है तो उसे कुछ तो कुछ देना चाहिए ना, मतलब ये निश्चित है, तो ये अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। चार है संबंध वाचक, संबंध वाचक स्वरनाम, मतलब रिलेशन, रिलेटिव, जो स्वरनाम दो बातों में संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंध वाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, मतलब जो करेगा सो भरेगा, जैसा बोगे वैसा काटोगे, मतलब हम जैसा करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम एग्जाम में क्या, परीक्षा में नहीं लिखेंगे तो मेरा नंबर भी क्या आएगा, जीरो। तो जैसा हम पढ़ेंगे वैसा नंबर आएगा ना, तो जैसा बोगे वैसा करोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पांच, प्रश्नवाचक स्वरनाम, जिन स्वरनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे आदि। तुम्हारा नाम क्या है, आज कौन आ रहा है, या आज क्या खाना में बनेगा, खाने में क्या बनेगा, ठीक है। सिक्स, छह नंबर, निजवाचक स्वरनाम, जो स्वरनाम सभी प्रकार के नामों या स्वरनामों के साथ प्रयुक्त होकर अपने आप या स्वयं का बोध कराता है, मतलब अपने आप खुद का बोध कराता है, यह निजवाचक स्वरनाम कहलाता है। जैसे मैं यह स्वयं कर लूंगा, मतलब मैं खुद अपने आप मैं कर लूंगा, किसी का मदद या किसी का हेल्प हमें नहीं चाहिए, यह वह यह काम स्वयं कर लेगा, अपना काम स्वयं करना चाहिए, यह है निजवाचक स्वरनाम। अब हम पढ़ेंगे कारक, एक वचन, बहुवचन। कारक में आपने पढ़ा है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संपदान को, अपादेन, अपादान, संबंध का, के की, अधिकरण में पढ़, ये क्या है, कारक के भेद है। तो कारक में एक और वचन का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग जो जो मैंने मार्क करवाऊंगी वो मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ये प्रश्न में मैं उसी हिसाब से प्रश्न बनाऊंगी। पेंसिल और पेंसिल निकाल लो, बुक में जो मार्क करने को बोलूंगी वो आप मार्क करना, ठीक है। देखो, कारक का पहला कर्ता और कर्म को पेंसिल से टिक करो, पेज नंबर है 43, 43, ठीक है। कर्ता में एक वचन का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है, तो मैं और मैंने, ठीक है। बहुवचन में कर्ता का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है, हम, हमने। कर्म में एक वचन का कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है एक वचन का, तो मुझे, मुझको। कर्म में बहुवचन का, बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, हमें, हमको, ठीक है। अब नीचे हम आ जाएंगे, यह में अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक के रूप, मतलब यह में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो यह में भी आप दो मार्क कर लो, कर्ता और कर्म। तो कर्ता में हम यह का एक वचन में प्रयोग करते हैं, यह इसने। बहुवचन में यह इन्होंने। कर्म, कर्म में हम यह का एक वचन प्रयोग करते हैं, इसे, इसको। और बहुवचन में इनमें, इनसे, इनको, ठीक है। ये हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब पेज टर्न, पेज पलटो, अब हम पढ़ेंगे क्या, कौन। ये वेट, मतलब कौन में हम कर्म और कर्ता में कौन के जगह कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं,
ये हम पढ़ेंगे। तो कौन कर्ता में, कौन कर्ता, सॉरी, कौन में हम एक वचन का कौन सा रूप प्रयोग करते हैं? तो पहले मार्क करेंगे कर्ता और कर्म जो हम पढ़ेंगे अभी। तो कौन में हम एक वचन में हम प्रयोग करते कौन, किसने? बहुवचन में प्रयोग करेंगे कौन, किन लोगों ने? कर्म, कर्म में हम एक वचन का कौन सा रूप प्रयोग करेंगे, किसको, किसे? बहुवचन में प्रयोग करेंगे किनको, किन्हें, किन लोगों को? ठीक है, यहाँ हमारा क्या खत्म होता है, ये विषय जो स्वरनाम का जो विषय था यहाँ पर अब एंड हो गया, खत्म हो गया है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, स्वरनाम के 6 भेद होते हैं, मतलब 6 भेद होते हैं। 6 के नाम आपको याद करना होगा, ठीक है, उनके बारे में आपको याद नहीं करना होगा, आप 6 भेद याद करके रखना, ठीक है। 6 भेद कौन कौन से हैं? पहले है पुरुषवाचक स्वरनाम, दूसरा है निश्चयवाचक स्वरनाम, दूसरा है निश्चयवाचक स्वरनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक स्वरनाम, चौथा है संबंधवाचक स्वरनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक स्वरनाम, 6 है निजवाचक स्वरनाम। तो यह हमारा विषय यहीं पर खत्म होता है।